हेलो व्यूवर्स, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 11 एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर CHD एजुकेशन या फिर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है CHDEeducation.gov.in टाइप करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, ये सबसे ऊपर वाला जो लिंक है इस पर क्लिक करेंगे आप। इस पर क्लिक करते देखिए इस तरह का पेज ओपन होगा। सबसे नीचे जाएंगे, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो, अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली साइड में आ जाएगा आपके सामने लिंक। यहाँ पर देखिए ये आपके पास लिंक मिलेगा, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपको फिर से एक लिंक मिलेगा क्लिक हेयर वाला, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर ओके पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए आपको आपका मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर वही भरना है जो आपके घर का या आपका हो, क्योंकि इसके ऊपर OTP आ सकती है आगे जाके, या कोई भी मैसेज आएगा तो वह इसी पे आएगा। नेम ऑफ द स्टूडेंट वही भरना है जो क्लास 10 की मार्कशीट पर है। डेट ऑफ बर्थ भी वही भरनी है जो क्लास 10 की मार्कशीट पर है। रोल नंबर भरना है, उसके बाद पासवर्ड। तो पासवर्ड आपको खुद से कोई भी सोच लेना है, करीब 8 अक्षर के आसपास का, 8 से बड़ा। और वापस फिर से यहाँ पे पासवर्ड भरना है और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन। देखो सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब ये है, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन, सबसे आसान वाला व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, कि आपके फादर्स का नेम क्या है, और फिर उसके बाद उसका आंसर यहाँ पे लिख देना है। ये इसलिए होता है ताकि अगर आप पासवर्ड भूल जाए ना, तो फिर इस सिक्योरिटी आंसर से और क्वेश्चन से आप दोबारा से जो है एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि स्टूडेंट अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। अगला स्टेप क्या होगा, बस बहुत ही जल्द अगली वीडियो आने वाली है जिसमें मैं ये बताऊँगा कि फ़ीस कैसे पे करनी है आपको।